पुस्तक मेले में इस बार देश विदेश के 800 से अधिक प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन प्रकाशन विभाग के मेले में पुस्तक प्रेमियों की भारी भीड़ दिख रही है और किताबों में लोगों की रुचि को जगाने के लिए प्रकाशन विभाग ने अहम भूमिका निभाई है। ये विभाग राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व की 21 पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। देश विदेश के तमाम प्रकाशकों के बीच प्रकाशन विभाग के स्टॉल में शनिवार से ही पुस्तक प्रेमियों की भीड़ दिखने लगी है। भारतीय इतिहास, संस्कृति और धरोहरों से लेकर तमाम क्षेत्रों पर अहम पुस्तकों को प्रकाशन विभाग ने प्रकाशित किया है। ये सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रकाशन संस्थान है। प्रकाशन विभाग के स्टॉल संख्या 125 से 138 में तमाम विषयों के साथ गांधी साहित्य में भी लोगों ने खास दिलचस्पी दिखाई। मेले में शनिवार को 4 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ। भारत के वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा ने मतदान में विश्वास और भारतीय संविधान और आम आदमी का लोकार्पण करते हुए प्रकाशन विभाग के कामकाज को सराहा। पिछले वर्षों में स्पेशली जो राष्ट्रपति भवन के सहयोग से माननीय सुप्रीम कोर्ट के उनके गाइडेंस में जो किताबें बनी हैं और अन्य भी नई किताबें बनाई हैं, विशेष रूप से ज्ञानवर्धक है। मुझे लगता है कि पब्लिकेशन डिवीजन का कंट्रीब्यूशन तो और बढ़ना ही चाहिए, लेकिन इसका और भी फैलाव होना चाहिए ताकि ये और इसके ग्रास रूट तक पहुंचने का के लिए जो भी इसको हम लोग इनकरेज कर सकते हैं उसको करना चाहिए। प्रकाशन विभाग के स्टॉल में नेशनल फिल्म्स आर्काइव्स ऑफ इंडिया और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर के साहित्य और सीडी भी उपलब्ध कराए गए हैं। प्रकाशन विभाग ने ई पब्लिशिंग के क्षेत्र में भी कदम रखा है। इस समय में हम कैसे हमारी भूमिका कि हम इस देश की सारी सांस्कृतिक धरोहर और उन सभी विषयों पर जो लोगों को भारत के बारे में जानना है, भारत के अंदर और भारत के बाहर हम किताबों, हमारी पत्रिकाओं, प्रिंट फॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जरिए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। संचार क्रांति के दौर में किताबों का महत्व बरकरार है। आज भी किताबों के शौकीनों की कमी नहीं है। लोग किताबें खरीद रहे हैं और प्रकाशन विभाग ये काम बखूबी निभा रहा है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी।